जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। जयनगर में आशा फैसिलिटेटरों का अनिश्चितकालीन हड़ताल 9वें दिन भी जारी रहा। आशा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पर 9 सूत्री मांगों को लेकर विगत 12 जुलाई से आशा फैसिलिटेटरों का अनिश्चितकालीन हड़ताल बुधवार को 9वें दिन भी जारी रहा। अब तक मांग पूरा नहीं होने पर जयनगर KPHC पर आशा फैसिलिटेटरों ने धरना देते हुए वैक्सीन के लिए उपयोग होने वाले टीकाकरण डिब्बे को कुरियर कर्मी को नहीं लेने दिया, जिससे अनुमंडल अस्पताल के अलावे प्रखंड क्षेत्र में वैक्सीन कार्य ठप रहा। प्रखंड अध्यक्ष मंजूली देवी की अध्यक्षता में आयोजित आशा फैसिलिटेटर का हड़ताल PHC के साथ अनुमंडल अस्पताल पर भी देखने को मिला। धरना पर बैठी मंजू देवी, मुमताज बेगम, रेखा देवी, ललिता देवी, अनिता देवी, मंजू देवी, बेबी देवी एवं राजकुमारी देवी ने बताई कि हम लोग अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर 9 दिनों से हड़ताल पर हैं। अब तक सरकार हमारी मांगों को लेकर वार्ता नहीं किया है। हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हड़ताल के साथ भूख हड़ताल किया जाएगा। हमारी मांगों में हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा व मानदेय दिया जाए। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक वैक्सीन टीकाकरण कार्य नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि वैक्सीन टीकाकरण कार्य आशा वर्कर का है, जिसे कुरियर को दिया गया है। बता दें कि प्रखंड में 170 आशा फैसिलिटेटर व 12 कुरियर कार्यरत हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। सरकारी सेवा घोषित करे सरकार और कम से कम 20,000 रुपया मानदेय कर दे। टीकाकरण जो है सो आशा का काम है, लेकिन यहाँ पर दवा उठा करके कुरियर ले जाते हैं क्षेत्र में। क्षेत्र में तो आशा का काम है, वहाँ पर हम लोग नहीं जाएंगे तो भी टीकाकरण होगा, एक ही तो होगा लेकिन होगा। इसीलिए हम लोग सोचे हैं जो दवा ही बंद कर दे यहाँ पर। जब दवा बंद हो जाएगा तो आगे टीकाकरण नहीं होगा, देखा जाएगा। जब हड़ताल टूटेगा इसके बाद में होगा टीकाकरण। मंजूली देवी, मांग में हम लोग को सबसे पहले सरकारी घोषित कर्मचारी घोषित करना है। सो शुरू से बोल रहा है सरकार की कर दिया, लेकिन अभी तक नहीं किया है। हम लोग का और जगह पर 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200, 400 करके दिया जाता है, वो हटा करके सबसे पहले सरकारी घोषित कर दे, कर्मचारी घोषित कर दे। हाँ, कम से कम मान दे 10 से 20 हजार के अंतर में होना चाहिए। कोरियर एक काम का बहिष्कार का कोरियर के काम इसलिए रोक दिए हैं कि हम लोग का अच्छा तो काम हो रहा था, इसीलिए हम लोग आज खेत में जाकर के NM लोग करा लेती थी, इसलिए हम लोग नहीं करने दिया। आज से टीकाकरण बंद करवा दिए, नहीं करने देंगे। आशा लोग हड़ताल पर रहेगी जब तक हम लोग का मानदेय पूरा नहीं होगा, कर्मचारी घोषित नहीं होगा, जब तक हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। नहीं होगा, भूख हड़ताल करेंगे। पटना जाना हो, दिल्ली जाना हो, नीतीश के घर ना हो, मोदी के केंद्र तक पहुंच रहा, लेकिन हम लोग पहुंचेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं इस बार। क्या नाम हो गया? रेखा देवी। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हाय, आइए गोपाल भाई, और लाइट और पंखे का बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? क्या बताऊं भाई, लाइट और पंखे के कोई अच्छे मैन्युफैक्चरिंग वाले मिल ही नहीं रहे जो हाई क्वालिटी के लाइट और पंखे प्रोवाइड करें। अरे भाई, लगता है आपने MSL का नाम नहीं सुना है। ये MS Lights के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो अफोर्डेबल प्राइस में हाई क्वालिटी के MSL ब्रांड की सभी प्रकार की लाइट्स और पंखे प्रोवाइड करते हैं, वो भी गारंटी और अच्छी क्वालिटी के साथ। इनके यहाँ अलग अलग डिजाइन के सीलिंग फैन, ऑल पर्पज फैन, टेबल फैन, फराटा फैन, आयरन, साथ में रूम हीटर, वाटर रॉड भी बनाते हैं। मैंने भी मेरे दुकान में इन्हीं के पंखे और लाइट्स रखे हुए हैं, जिसकी वजह से डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर बहुत आते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है, पर इनसे संपर्क कैसे हो? स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करो या एड्रेस पर विजिट करो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।